थपकी थपकी प्यार की। गजब, देखो चुक चुक गाड़ी। वैसे तो रोज सुबह जल्दी उठाती है और हमारा दिमाग खराब करती रहती है, आज देखो जैसे घोड़े बेच के सो रही। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? चपकी, ओ मैडम, कब तक सोने का इरादा है? देखो सूरज सर पे आ गया है, अब तो उठ जाओ। थपकी थपकी थपकी। हमें सताने में बड़ा मजा आता है ना। इतनी देर से चिल्ला रहे, आवाज क्यों नहीं दे रही? और जब जाग गई तो उठ क्यों नहीं रही थी? क्या करूंगी उठ के मैं? क्या करूंगी मतलब क्या करते हैं उठ के? उठो, नहाओ, धो, पूजा करो और क्या। बिहान वही तो प्रॉब्लम है, बिना नहाए आप मैं पूजा कैसे करूं? अब नहाने में कैसी प्रॉब्लम? क्या कहा ना, कहा है यहाँ बाथरूम? ये तो क्या हुआ, एक दिन नहीं नहाओगे तो क्या होगा? शेर को देखो, नहाता है कभी, लेकिन जंगल का राजा है ना। चलो हमें ही देख लो, हम भी बिना नहाए कितने टिप टॉप लगते हैं। बिहान प्लीज, अब सुबह सुबह मजाक मत करो। एक तो आज पहली बार होगा कि मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, वरना घर में इतने सालों से हर रोज सुबह उठकर पूजा किया करती थी मैं। सारा दिन ऐसे मुंह लटका के बैठी रहोगी या कुछ करोगी? चलो लो अपने कपड़े और तौलिया, चलो हमारे साथ। कहाँ? चलो तो सही, ये सब लेके कहाँ जाते हैं? चलो ठीक है, जल्दी करो। यह है तुम्हारा नया बाथरूम, बड़ी मेहनत से और बड़े जुगाड़ से बनाया। जाओ और नहा। अब ऐसे क्या देख रहे, इससे अच्छा जुगाड़ हम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा फिर सोच के रहे हो, जाओ नहा लो फटाफट। अब थैंक यू मत बोलना, और वैसे भी ये हमने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए बनाया। अगर ये नहीं बनाते तो तुम सारा दिन मुंह लटका के रोती रहती और हमारा और दिमाग खाती, इसलिए जाओ ना लो फटाओ। तुम्हें
दरवाजा बंद करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। उसका जुगाड़ नहीं होगा तो क्या हुआ, हम खड़े ना, तुम जाओ ना, कोई नहीं आएगा अंदर, जाओ। पर जाओ नहा लो, कोई नहीं है। आलिया, कैसा लगा बाहर का बाथरूम, छोटा तो नहीं लगा? लो पूजा भी कर। बजाओ घंटी थक्की, बजाओ घंटी, ताकि इसी आवाज सारे घर वालों तक पहुंचे और उनको एहसास हो कि थक्की इस घर से तो जा सकती है पर उनके दिलों से नहीं। अरे छुट्टी, लगता है ना पूजा स्टार्ट हो गई, आज भी हम लेट हो गए। ओ गॉड, हाँ जल्दी चलो नहीं तो आरती शुरू हो जाएगी, फिर हमको डांटनी पड़ेगी। आरती शुरू हो गई? रोजाना तो थप्पी घंटी बजाया करती थी, आज कौन बजा रहा है? देखा थप्पी, तुम जरूर इस घर से बाहर आ गई लेकिन तुम्हारी यादें अभी भी इस घर में, और इन्हीं यादों की मदद से हम तुम्हें इस घर में वापस लेकर आएंगे, वो भी पूरी इज्जत के साथ। आवाज तो शायद बाहर से ही आ रही है लेकिन बाहर कौन हो सकता है, देखते हैं। क्या? चल। हे राम, ये लोग अब तक यहीं पर हैं? हाँ चुटकी, ये लोग तो चले गए थे, पर यहाँ आप ही क्या कर रहे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी, हमने इन दोनों को घर से निकाला जरूर है लेकिन ये निकले नहीं है बल्कि तबेले के अंदर डेरा जमा के बैठ गए हैं। मुझे तो कल देर रात को ही पता चला मम्मी जी, मैं आपको बताने वाली थी पर भूल गई। क्यों, क्या है ये? ये तबेला क्या घर के परिसर के अंदर नहीं आता है? घर के बाहर का मतलब होता है वो जो फाटक है ना, उसके बाहर। तो चलो निकलो उस फाटक के बाहर, निकलो। रहने दीजिए ना वसुंधरा जी, घर की दहलीज के अंदर तो नहीं है ना, यहाँ बाहर रहे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जी मैं कहा ना, रहने दीजिए नहीं यही बाहर, आइए हम घर के अंदर चलते हैं। हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे हैं बयान और थपकी, बस पिता होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। यहाँ हमारी नजरों के सामने रहोगे तो हमें सुकून रहेगा कि तुम दोनों ठीक हो।
दीजिए पूनम जी, दो डब्बे मिठाई के लिए आए हम लोग। भगवान का भोग लगाकर एक में से प्रसाद हम सब लोग ले लेंगे और दूसरा हवलदार जी और उनके परिवार के लिए। अच्छा हुआ आप उनके लिए भी मिठाई ले आए। अब जाइए उन्हें पूजा के लिए बुला लीजिए। हाँ हाँ जाता हूँ। माँ सारी तैयारियाँ हो गई? हाँ। सासू माँ पराइयों को याद किया जा रहा है पूजा के लिए, इस प्यारे से दामाद को भूल गए। ऊपर वाला सब देख रहा है। आप लगेगा पाप। आप कौन कर रहा है ये ऊपर वाला देख रहा है? अपना मुंह बंद करो दिवाकर, अपने नाटक ना बंद करो। नाटक तो तब बंद होगा जब हवालदार ये प्रसाद खाएगा। ये प्रसाद आपके और आपके परिवार का, रखिए। हवालदार जी ये तो प्रभु का प्रसाद है, प्रभु प्रसन्न होंगे यदि आप इसे अभी ग्रहण करेंगे। इसे ग्रहण कीजिए। जी लीजिए। देखा आपने, रिश्वत देने के लिए इन लोगों ने शिव जी तक को नहीं छोड़ा। मुझ जैसे भोले भाले बालक को तो कैसे छोड़ेंगे ये? हवालदार साहब ये बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस हरकत से ये साबित हो गया है कि आप लोग किस तरह के इंसान हैं। मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा, फिर देखना क्या हाल होता है आप लोगों का। प्रभु 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 कैसी तेरी माँ, कहीं धूप तो कहीं छाँव। प्रभु तूने मेरी नैया तो पार लगा दी, अब जरा इन लोगों की नैया डुबा दे तो मजा दुगना हो जाएगा। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि आप थपकी और बिहार को बाहर देखकर ऐसे परेशान हो रही हैं, लेकिन क्या मैं देखा नहीं मंदिर में घंटी की आवाज सुनकर सब लोग कैसे भागे भागे आ गए थपकी को याद करते हुए? इट्स ओके मम्मी जी, आज पहला दिन है वो भी सुबह सुबह। स्लोली सबको सच्चाई की आदत पड़ जाएगी कि थपकी इस घर का हिस्सा नहीं है। श्रद्धा तुम जानती नहीं हो वो थपकी क्या है। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। इतनी सीलन हो गई बड़की, देखो जी, ये बड़ी सासू माँ ने भी ना हम दोनों को कितना यकी काम दिया है ना, ये बोर की सीलन हटा के उसे पेंट करने का। भला ऐसा भी कोई काम देता है क्या? चुटकी इसे ना मेरे ये औसम वाले नेल्स ना डर्टी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और कोनो रास्ता भी तो नहीं है ना बड़की, अब पहले घर के ही सारे काम काज वो थपकी करती थी, अब थपकी तो घर के बाहर चली गई वो तबेला में, अब हम कहीं करना पड़ेगा ना। करो राइट चुटकी, लाओ अब जल्दी वो पेंट दो। आ, 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 आ,
पत्नी बन के थे तो तुम अपनी जान ही लोगी ना उनका करोगी। किसी लायक नहीं हो तुम दोनों। हाँ सारी बड़ी सासू माँ, तू अंदर आ, मैं तुझे अंदर देखती हूँ। चलो दफा यहाँ से। संभाल के हाथ पैर पकड़ोगे क्या? अरे रुको मटकी, हम आते हैं। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे रुक तो जाओ, सुनो तो, हम जान बुझ के पानी में गिराया था, चलो हम साफ करा देंगे। हे भगवान, किस जन्म के पाप थे मेरे। बाप रे शब्दा, इस सीलन को देख रही हो तुम? हाँ मम्मी जी, थोड़ी सी तो सीलन है, अपने आप चली जाएगी। अपने आप नहीं जाएगी, इसे निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर अभी नहीं निकाला तो पूरे घर की दीवारों में अपना घर बना लेगी। एक थपकी भी ना इस सीलन जैसी ही है, कम ही सही लेकिन अभी भी घर वालों के दिलों में बैठी है। कब फिर से अपनी जगह बना लेगी इसका कुछ पता नहीं। अभी थपकी जहाँ बैठी है ना, वहां से पांडे निवास का फाटक 10 कदम की दूरी पे है और इस घर का दरवाजा 5 कदम के। वो 5 कदम थपकी कब लांग जाएगी तुम्हें और मुझे पता नहीं चलेगा श्रद्धा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मम्मी जी? कैसे रोके थपकी को? उस सीरन को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, थपकी को उस तबेले से निकाल बाहर करना पड़ेगा और वो 10 कदम उससे पार करवाने पड़ेंगे ताकि वो इस घर के बाहर जाए, बिल्कुल बाहर, और दोबारा पांडे निवास के आसपास कहीं नजर ना आए इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। बन भी गया गजब, चुप चुप गाड़ी तो शताब्दी एक्सप्रेस बन गया। ये लो, हम भी ले आए पूरा सामान, दाल चावल आटा बर्तन मसाले सब्जी वगैरह सब कुछ। देख लो अगर कुछ रह गया हो तो अभी बता दो। चलो हम दुला देते हैं। थोड़ा यहां भी लगी मिट्टी। कहां? कान। थोड़ा इधर, नीचे नीचे। अरे ये रहा, थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर। यार ये रही, अरे यार दे दो, तुम खुद ही कर। नमक का है? नमक तो हम जानबूझकर नहीं लाए चुकाड़ी, ताकि तुम नमक मांगने के बहाने सही सही कम से कम परिवार वालों से बात तो करो। वो नमक हम शायद भूल गए, इसके बिना तो खाने का स्वाद भी नहीं आएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, नमक
तुम अंदर से मांग लो, सुमन भाभी है किरण से, वो दे देंगे। इधर देखना बिहान, मेरी तरफ देखो बिहान। क्या? मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने पहले सुबह सुबह मुझसे मंदिर की घंटी बजवाई, उसके बाद अब ये नमक का नाटक कर रहे हो। तुम जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे मुझे घर के अंदर जाना पड़े और घर वालों से बात करनी पड़े, है ना? नहीं 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 बिहान, प्लीज, तो मैं तुम्हारी वजह से मजबूरन इस तबेले में रह रही हूँ, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, स्पेशली ये वाली। और हाँ, तुम नमक लाना भूल गए ना, तो अब बिना नमक का ही खाना बनेगा और तुम बिना नमक का खाना खाओ। अरे, घर वालों से बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी सब, यहाँ जिस काम के लिए तुम्हें रोका है वो काम तो हम करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े।